बंदा बड़ा थक हार के यहाँ बैठ गया, इतनी सारी गंदम रह गई, ये कर ली, ये ताने बने, इसमें ताने भरे हुए हैं, तोड़ो भाई, ये मशीन लगी हुई है सारी है, ये सारा वेस्ट यहाँ पे जा रहा है और दाने वहाँ से निकल रहे हैं मुझे सारे, बड़े लेवल के दाने छाने लग रहे हैं, ये दाने निकल रहे हैं, बड़ा काम कम हो रहा है गाँव में यार, अभी सारी गंदम निकल रही है तो आपको दिखाता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। आज का व्लॉग थोड़ा सा देसी स्टाइल में होने वाला है, उसकी वजह यह है कि आज हमारे में खेतों में हमारे एक टीचर हैं, उनके ना खेत है, तो वो कहते हैं कि हमारा हमने गंदम कटवानी है, तो उधर आप आ जाओ शुगल करने के लिए, हम आ गए यहाँ पे शुगल। काम तो आपके भाई ने करना को ना कोई, तो लेकिन हमें खेतों में लेके आ गए, आपको खेत दिखा दूँ। यहाँ पे ये मेरे साथ हैं फैसल है, ये फरहान है, ये सलमान है, ये खलदून बैठा हुआ, ये हमारे साथ पढ़ते हैं सारे, ठीक है। बाकी खेत दिखाऊँ आपको, गर्मी बड़ी सख्त बनी हुई है, लेकिन हवा बड़ी लेवल की, लेवल तरीन चल रही है, बड़ी ठंडी चल रही है हवा, ठीक है। तो ये वाली ना, ये सारी जो गंदम पड़ी है हमने काट के रखा हुआ, इसको इसको हमने मशीन आएगी, तो इसमें से जो गंदगी होगी वो घास है उसको साइड पे कर देंगे, इसमें से हमने आटा वो क्या निकालना है, दाने निकालने हैं, दाने एक साइड पे हो जाएंगे और जो ये जो होगा घास शास सारा साइड पे हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो भी सिंचन होगा, अभी हम अपने ब्लॉग को शुरू करेंगे, हम गंदम के साथ ही गंदम आपको दिखाएंगे, गांव में गंदम कैसे काश की जाती है वो आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये सामने हो रहा है, ये देखें काम, ये बड़ा धुआं शुआ उठा हुआ यहाँ से है, ये देखिए सारे काम शाम कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं कि उसके अंदर ये जो उठा उठा के गंदम फेंक रहे हैं वो दाने अलग हो रहे हैं, और बाकी जो उसका जो होता है वो वेस्टर होता है वो उसको अलग कर रहा है, ठीक है। बाकी आप एक दोबारा दिखा दूँ, ये जितना भी ये सारे खेत ये गंदम के लगे हुए सब ने अपना अपना काम करवा ली। अच्छा जी, ये जो जितना भी अच्छा ये जो सारा ये खेत है यहाँ से उन्होंने गंदम काट लिया, लेकिन अब ये वाली जो होगी इसको काटना है, और वो जो उसको काट के अभी रखेंगे तो फिर बाद में जो काटा जाएगा उसको दाने उसके अलग किए जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हमने दाने अलग करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम वहाँ पर जाके, अभी थ्रेशर आ रही है उसको कटवाना है हमने, इसमें से ना दाने अलग करवाना है, ठीक है। अब चलते हैं उधर, तो उधर जाके फिर आपसे मिलता हूँ। तो मैं गंदम की कटाई का काम शुरू हो चुका है, वो देखे सारे लगे हुए, ये फैसल फरहान वो जितने भी हमारे दोस्त होते हैं, ये सारी गंदम पड़ी हुई है यहाँ पे, ये सारा गंदम का काज काम हमने आज करना है जितना भी है। बड़ा प्यारा मौसम है यार, यहाँ पे दरख्त लगा हुआ टाली के नीचे, आपका भाई बैठ के आके हैं, ये देखिए सारा माहौल चला, गांव में यही रौनकें होती हैं, हम गांव में आके गांव की होकर रह गए हैं, गांव में बड़ा मज़ा होता है यार, हैं विशाख मना रहे इसको, मौसम को विशाख कहते हैं, मैंने सीख लिए सारे नाम से, हम सीख रहा हूँ विशाख कहते हैं इसको। तो ये देखें गंदम शंदम, ये कुछ ये जो साइड है ना ये वाली, इनको काटना भी, ये वाली जो गंदम खड़ी है और ये जो काट के रख दी है, इसको हमने आज थ्रेशर करना है, इसको हम काटेंगे। अभी मशीन आ रही है वहाँ से ना, ट्रैक्टर आना है एक मशीन लेके, तो वो उसके अंदर हम इसको डालेंगे, तो वो दाने अलग कर देगी और जो घास फूस होगा उसको अलग कर देगी। तो अभी हम यहाँ पे खड़े हैं, तभी चलते हैं उनके पास जाकर दिखाता हूँ कि वो क्या सिंचन कर रहे हैं। पता नहीं सिर्फ वक्त रिजल्ट आपको ठीक आ रहा होगा कि पता नहीं नहीं आ रहा होगा, उसकी वजह यह है कि धूप में बड़ी सख्त कुत्ते वाली गर्मी है आज, ठीक है। तो धूप में पता नहीं आपको रिजल्ट ठीक आ रहा हो या ना, मैं नज़र भी आ रहा हूँ कि नहीं आ रहा, तो उधर से आपको दिखाता हूँ कि वो काम शाम क्या कर रहे हैं। ये देखें ये सारी गंदम लगाई हुई यहाँ पे, ये सारे ढेर लगा के ना उठा के इसको इकट्ठा कर रहे हैं, जितनी गंदम पड़ी है ना तो इसको यहाँ पे ढेर लगा रहे हैं, देखें वो देखें ये सारे इसको उठा उठा के यहाँ पे रख रहे हैं, बड़ा चलो करो करो यार। बसाख का मौसम है, कणक की वाढ़ी शुरू हो गई, तो कणक जड़ियां ने कट कट के रखिया ने, इन्होंने चौके हूँ उसे रख रहे सारे कट्ठिया करके, तो फिर तुम दिखाओगे पिंड च बसाख किवें मनाते हैं। बड़ा प्यारा माहौल होंगे पिंड का, जो माहौल ही अलग होंगे बसाख का। हम मशीन आती भी मशीन चाहे दाने वक्रे कर देंगे, नेड़े लिया आ दाने वक्रे करा, तो आ घास फूस वक्रा कर देंगे, तो बसाख की यही रौनक होंगे ने, बसाख से सारे कट्ठे हो जाते हैं, जिन्हें वो उपर होते हैं सारे कट्ठे होकर बड़ा शोर मेला कर देंगे, तो हम सारिया रौनक लावे इतनी बाहर ही, तो तुम विखाने के बसाख कि मनाई है। वो सारे लड़के ना गंदम कट्ठी कर रहे हैं, मुझे भेजा कि हम आप जाके ना तो ये वाला लेके आओ टाटा मिर्ची, ये वाला इसको हम उठाते हैं, इसको इकट्ठा करते हैं यहाँ पे, तो इसको लेके जाना वहाँ पे, ताकि जो ना राजा इसको हम इसलिए वहाँ पे लेके जा रहे हैं ताकि हम इसको जब वहाँ पे ले जाएं तो वो जितना भी सारा गंदम पड़ी उसको इकट्ठा कर इसके ऊपर रखेंगे, तो फिर कटाई इसकी शुरू होगी। ट्रैक्टर मेरे ख्याल में आ गया, अब ट्रैक्टर को रोकते हैं तो अपना काम शुरू करते हैं। दाने निकालने वाली मशीन आ गई, दिखाऊँ आपको, है ये देखिए ये सामने खड़े मशीन आके, अब ये जो है ना दिखाता हूँ करीब जाके आपको, यहाँ से इसको उठा के यहाँ से इसके अंदर फेंकेंगे, तो वो जो इसके अंदर जब फेंकेंगे तो दूसरी साइड से दाने निकलेंगे, तो वो फिर जो ना उसको भरते जाएंगे, हमने तोड़े रखे हैं यहाँ पर ने इसके अंदर भरते जाएंगे, दिखाता हूँ आपको। ये सारे बंदे ये वाले भाई ये लेके आए यहाँ पर ये मशीन,
ये रखे हुए हैं, तोड़े नहीं, कितने भरेंगे वो सारे हमारे जो दोस्त सब काम कर रहे हैं वो उठा के भी रख रहे हैं, सारा तकरीबन हो ही गया काम शम है, तो ये बस रह गया इसके अंदर डालेंगे यहाँ से फिर दाने निकालेगा। जिधर जिधर कर रहा है यहाँ पे मशीन लगा दी, यहाँ पे लगी, यहाँ पे ये बिछा दी, इसके ऊपर दाने आएंगे इस पर, और उस पर ये जो है इस पर वो गंद पला जो होगा उसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है, और बाकी इस पर आ जाएगा। मशीन लग रही है अभी, ये देखिए सारे काम शम कर रहे हैं, अपने काउंट पर खड़े हो गए सारे, रेडी शेडी हो खड़े हो गए। हमारी ड्यूटी यहाँ पे हमने तोड़ों के अंदर ना दाने भरने हैं, ये तोड़े ला के रख दिए, इसके बस अंदर हमने दाने भरने हैं। मेरा काम आसान से, बाकी जो काम शाम इनके वो थोड़े मुश्किल होंगे, अभी शुरू होता है काम, दिखाता हूँ आपको कि अब क्रैशर कैसे चल रही है। क्रैशर तो आ गई यहाँ पे, वो ट्रैक्टर के साथ इसको अटैच कर रहे हैं, तो फिर चलेगी, अटैच करते हैं तो अभी काम स्टार्ट करते हैं। गंदम का काम शुरू होने लगा, उससे पहले मैंने सर पर ये बांध लिया ताकि मेरे सर जो है ना बाल गंदे ना हो, वो यहाँ पे ना काफ़ी गंदगी मिट्टी उड़ेगी ना, तो वो सब कह रहे हैं कि अपने सर बांध लो, सब ने सर बांधी, किसी ने टोपी पहनी हुई है, किसी ने सर बांध ली, मैंने सर बांध ली, मैंने चलो ठीक है काम से शुरू करते हैं। छाँव यहाँ बड़ी प्यारी है यार, छाँव को छोड़ के ये काम करना बड़ा मुश्किल है। ज़िंदगी में पहली दफ़ा कर रहा हूँ, सिर्फ आपके व्लॉग की खातर, सिर्फ व्लॉग बन जाए उसकी खातर मुझे ये करना पड़ा, वरना मैंने कभी काम ये किया नहीं आपके व्लॉग्स की खातर। यार आप लाइव सब्सक्राइब नहीं करते तो लाजमी क्या करो, ठीक है, तो शुरू करते हैं काम से। मैं वो शुरू हो गया, सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, वो पठान आया, वो ट्रैक्टर लेके, अब इसको उठा के इसके अंदर फेंकेंगे तो उस साइड पर वो मिट्टी चली जाएगी जो घास भूस होगा, इस साइड पर दाने। हमारा क्या काम होगा कि हमने तोड़ों के अंदर सिर्फ दाने भरने हैं और हमारे इसके अलावा कोई काम नहीं होगा, मैंने बस यही काम करना है। मुझे बुला रहे हैं फरहान लोग कि आ जाओ काम शुरू होने लगे, तो मैंने कहा चलो ठीक है, जितना 5 मिनट बैठ के सांस सांस निकाल लें उतना ही बेहतर, लेकिन चलते हैं यार काम से हम शुरू होने लगे। वो मशीन को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, अब काम से हम शुरू होता है तो आपको दिखाता हूँ। काम जारी और सारी है, ये हमने थोड़ा भर दिया कि ये पड़ा हुआ थोड़ा, इसमें ये देखें आपको ताज़ा गंदम दिखाता हूँ, ये देखें बड़ी प्यारी ताज़ा गंदम जो भी निकल रही है ये, और एक ये इसके अंदर भी गंदम है सर, दिखाता हूँ आपको, ये देखिए बड़ी प्यारी गंदम है यार है। ये सारे काम शम लगे हुए हैं, हमारा भी काम शुरू, हमारा काम शम करना को नहीं आता। यहाँ पे देखा ना घास का ढेर लगा दिया, अब इसको स्लो हो गया मशीन, पता नहीं क्यों, मुझे नहीं लगता कि ये कह तो रहे कि 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, मुझे लगता है 1 घंटे में खत्म हो लगेगी ज़्यादा देरी, क्योंकि काफ़ी देर हो गया अभी, तो यहाँ से थोड़ा सही होगा, ये 2 तोड़े निकले लेकिन अभी तक ना काफ़ी निकल जाने चाहिए थे लेकिन निकले कोई नहीं है। वो देखा ना यहाँ से दाने निकले थोड़े थोड़े हैं, मशीन ख़राब है उसकी वजह से ना बड़ा स्लो काम करेगा, ठीक हो मशीन तो फिर कितना घंटे लगते देर, 45 मिनट लगते हैं। वो बंदा ये काम करता रहता है, उनका वो भी करते हैं ना ये, वो काम करता रहता है, लेकिन यार हमें काम करना क्यों नहीं था, मुझे तो पहले सुन लो कि 45 मिनट में इतना काम हो जाता है, ठीक है, लेकिन यार देर दूरी लग रही है यहाँ पे। हाय यार बड़ा थकावट वाला काम, मैं थक गया आपका भाई यार, काम करके थक गया हूँ यार, वो तोड़े भरा के रखे वो काम कर रहे हैं, ठीक है, मैं तो थक गया हूँ यार, बड़ा मुश्किल काम है। मुझे नहीं पता था कि यार ये गंदम ऐसे होती है, आटा ऐसे बनता है, तो हमारा एक बंदा था खलतून वो चला भी गया यहाँ से भी, उसकी जगह पर एक नया बंदा है, वो देखिए हमारे कॉलेज में साथ पढ़ता, वो काम करवाने के लिए आया, उसके वो उसका वो गांव है वहाँ से आया था, वो चला गया वापस, ये वाला जो है वो उस वाले गांव से आया ये काम करने के लिए, ठीक है। बड़ा थक तो गया हूँ, बड़ा मुश्किल काम है, गंदम बड़ी माशाल्लाह प्यारी लग रही है गंदम, मैंने 2-3 कच्चे दाने चेक किए हैं, बड़े कमाल की दाने हैं वो, बड़े अच्छे लग रहे हैं मुझे हैं, तो ठीक है अभी मिलते हैं आपको, गंदम शंदम जब सारी हो जाएगी मैं वो गंदम दिखाऊँगा, गंदम कितनी निकली है, तो फिर आपको गंदम दिखाता हूँ कि गंदम की जो नया लुक होगी वो कैसी होगी। गंदम से वेला वुला हो कि आपका भाई अभी वापस घर जा रहा है, देखिए शाम का वक्त हो गया है, ये वो बैठ गए आगे थक तो के ना थक करके वहाँ पे बैठ गए आ गए, शाम को चिड़िया भी अपने घर जा रही हैं, सुबह से गए अभी गंदम से फ्री फ्रू होकर जब घर पहुँचे मैं चलो ठीक है यहाँ पे आगे कुछ सीन शीन करते हैं घर चलते हैं, शुक्र किया कि जान छुट्टी है, मुझे नहीं लगता था कि जान छूटने वाली है, तो इस वक्त यहाँ पे आए तो यार मैंने ना सीन ये कि मैं जिस गाँव में आया हूँ ना
तो उस गांव में सिग्नल सुग्नल नहीं आते, ठीक है। अगर तो व्लॉग 10 मिनट का पूरा हो गया तो फिर वहीं पे व्लॉग को एंड करके जाएंगे, वरना हमें घर जाना पड़ेगा। तो कल व्लॉग अपलोड करना पड़ेगा, कोशिश करेंगे आज ही व्लॉग अपलोड हो जाए, ठीक है। फिर अभी मैं कोशिश करता हूँ, पहले मैं व्लॉग को एडिट कर लूँ, उसके बाद देखते हैं व्लॉग कितने सेकंड्स का होगा, कितने मिनट का होगा, तो उसके बाद फैसला करते हैं। फैसला हो गया जी, हमारा व्लॉग 10 मिनट का पूरा हो रहा है, बल्कि 10 मिनट से कुछ सेकंड ऊपर ही हो रहा है। चलो ठीक है, 10 सेकंड से अगर कुछ ऊपर हो रहा है 10 मिनट से तो वो बेहतर ही है, लंबा ज़्यादा व्लॉग भी नहीं करेंगे, ठीक है। रात का व्लॉग जो था उसका सीन ये था कि आज हमने गाँव में कटाई की है, जो विसाख का महीना होता है उसकी कटाई की। यार हमारे मुंह में जा जाके ना घटा आपके भाई को, वो खांसी पोल्यूशन थी या काफ़ी नहीं यहाँ पे, तो वो बड़ा मुंह खराब हो गया। वो देखिए पागलों की तरह हंस रहे हैं, पागल कुत्ते नहीं होते जैसे जैसे हैं दोनों। इनका ये देखिए इनका क्या सेहत बनी, इनकी सारा खून तो इनकी टोपियाँ चूस जाती हैं, इनकी क्या सेहत बनी है, ठीक है। नासिर मदनी साहब है माशाल्लाह, ये बड़े करना है भाई पागल। अच्छा पागल ने, ठीक है, ये एदा कसूर कोई नहीं है। वो कहते ना जेड़े घर भैड़े बाहर भी भैड़े। जब लोग कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करके हमारे मुस्लिम लोग कर लो ज्वाइन। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए कुत्ते अल्लाह हाफिज़।